हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। लेट्स बिगिन टुडेस क्लास। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं जरा देख लेते हैं। आज हम, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख ही रहा होगा, हम पढ़ेंगे आपका 2TZ ड्रग के बारे में। कल जैसा कि मैंने आपको बीमारी के बारे में बताया था, आपका म्यूक्रोसिस के बारे में, उसी से जुड़ा हुआ एक अच्छी खबर भी आपके सामने मार्केट में आ चुकी है। आज ही के दिन DRDO ने सप्लाई अपनी जारी करने की सूची तैयार कर ली है। ये किस चीज़ की सूची तैयार की है, सप्लाई क्या करना चाह रही है, चलिए देख लेते हैं। एक नया ड्रग है मार्केट में, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अच्छी एक पॉजिटिव न्यूज़ है इस बीमारी भरे माहौल में, जो आपको अच्छा महसूस करवाएगी। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की ओर। यस, सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके 2G न्यू कोविड ड्रग के बारे में। अब ये है क्या, किस चीज़ के लिए बना है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या कहना चाहता है। तो देखिए, इसके नाम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसका नाम है आपका 2G। अब ये 2G नाम क्या, क्यों दिया गया है, इसके बारे में बात करते हैं। इसकी फुल फॉर्म है आपकी D-oxy-D-glucose। अब यहां पर आप देख सकते हैं इसकी फुल फॉर्म है आपकी 2DG की 2-deoxy-D-glucose। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब ये ग्लूकोज का एक पार्ट हुआ। यस, बिल्कुल सही बात है। ये जो आपकी दवाई है, ये ग्लूकोज मोलिक्यूल के द्वारा बनाई गई है। तो यहां से आपको ये पता चलता है कि ग्लूकोज मोलिक्यूल का एक टाइप है D-oxy-D-glucose। अब हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी में ये कैसे काम करेगा, तो जरा इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलो देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके शरीर में जो एनर्जी होती है, यानी कि जो आपको कार्य करने की ऊर्जा चाहिए, उस एनर्जी के पीछे आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स जिम्मेदार होते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये आपकी बॉडी में एनर्जी देते हैं, क्योंकि आप इन कार्बोहाइड्रेट्स को खाते हो। खाते किस रूप में हो, भोजन के रूप में हो, फूड के रूप में हो। अब हमारे जितने भी बॉडी है, उस बॉडी के अंदर सेल मौजूद हैं जो छोटी छोटी मशीन्स की तरह पूरी बॉडी को चलाने में मदद करते हैं। तो सेल को एनर्जी चाहिए। अब सेल को एनर्जी चाहिए तो वो कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में लेता है, जो हम फूड के माध्यम से आपके शरीर में देते हैं। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सिंपल है, सभी को पता है। अब ये क्या करेगा, ये जो ग्लूकोज वाला ड्रग है, ये शरीर में क्या करेगा। ये ड्रग जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, ध्यान रखिएगा, जैसे ही आपकी बॉडी में ये ड्रग जाएगा, तो जितने भी हमारी बॉडी में जो सेल हैं, इस ग्लूकोज को इनटेक करके वर्क करते हैं, उन सेल्स में ग्लूकोज इनटेक को ये बंद कर देगा। अब देखो, सुनने में थोड़ा भयानक लग रहा है कि ग्लूकोज को सेल के द्वारा लेना बंद कर दिया जाएगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ये केवल उन्हीं सेल्स में ग्लूकोज लेना बंद करेगा जो सेल्स आपके शरीर में इन्फेक्टेड हैं या खराब हो चुके हैं वायरस से या किसी बीमारी से। तो जितने भी इन्फेक्टेड सेल्स हैं, वो ग्लूकोज सेल में लेने के बाद एनर्जी बनाना बंद कर देंगे इस दवाई को लेते ही। अगर सेल एनर्जी बनाना बंद कर देंगे, तो ऑटोमेटिक सी बात है, आपका सेल मर जाएगा, डाई हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ये सेल जितने भी हमारी बॉडी में हैं, उनको ये इन्फेक्टेड सेल्स को सबको ख़त्म कर देगा, डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली। कैसे, उनकी जो भोजन सप्लाई है उसमें ये घुल जाएगा, जिसके द्वारा वो सेल एनर्जी बनानी बंद कर देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली डाई हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये है क्या। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है जो शरीर में जाएगा, इन्फेक्टेड सेल्स के अंदर घुलेगा, वो सेल्स फिर आपका एनर्जी बनाना बंद कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली मर जाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम जान चुके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इसको बनाया किसने। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको बनाया किसने। तो आपको मैं बता दूं, इसको बनाया गया है किसके द्वारा, इसको बनाया है आपका DRDO के द्वारा। अब DRDO क्या है, ये आपका डिफेंस से रिलेटेड एक खुफिया ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो भारत में जितने भी वेपन्स होते हैं, या मतलब आप कह लीजिए मंजूरी देने का काम, या इमरजेंसी की स्थिति में कुछ ऐसा बनाना पड़ जाए जो हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है, उसमें भी काफ़ी हद तक ऑपरेशन ये आपका कंडक्ट कराती है। अब ये करेगी क्या भाई, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको फुल फॉर्म पूछी जाए तो क्या होगी, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो DRDO ने इस वैक्सीन को, कहने के वैक्सीन नहीं कह सकते, ये जो ड्रग है आपका, इसको बनाया है, लेकिन वो DRDO ने इसकी
जो है था ना हेड प्रोविजन, यानी हेड का काम किया था बनाने का, क्योंकि डीआरडीओ तो आपकी डिफेंस से रिलेटेड है, तो इसका जो ड्रग्स वाला काम है वो तो है नहीं, इसीलिए डीआरडीओ की निर्देशिता में ये जो आपका बनाया गया है, ये किसके द्वारा बनाया गया है, ये आपकी एक लैब है जिसका नाम है डॉक्टर रेडीज लैब। कौन सी लैब है? डॉक्टर रेडीज लैब है जिसके द्वारा ये बनाया गया है। अब ये लैब आपकी क्या करेगी, डॉक्टर रेडीज लैब, ये काफी समय पहले न्यूज में आई भी थी, जो आपकी स्पुतनिक वैक्सीनेशन है ना, स्पुतनिक वैक्सीन है जो यूरोप ने, क्या कहते हैं, रशिया ने बनाई है, इस स्पुतनिक वैक्सीन के जो ट्रायल हुए थे, वो जो इंडिया में ट्रायल हुए थे, वो भी आपके डॉक्टर रेडीज लेबोरेटरीज के द्वारा भारत में कंडक्ट कराए गए थे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डीआरडीओ ने डॉक्टर रेडीज की मदद से इसको कंडक्ट कराया है, और डॉक्टर रेडी वही है जिसने स्पुतनिक वैक्सीन बनाने में जो रशिया है उसका जो ट्रायल प्रोसेस थी उसमें इंडिया में काम किया था। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया इसको बनाने वाला कौन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई आपका कि इसको मंजूरी किसके द्वारा दी गई है, तो अभी देखते हैं थोड़ी देर में। यस, अप्रूव्ड बाय, तो अप्रूव्ड की हम बात करें तो देखिए आपको दिखाते हैं अभी, अप्रूव्ड बाय विच थिंग, इसको अप्रूव किसने किया है, तो आपको बता दें DGCI। अब ये क्या होता है, देखिए इसकी बात की जाए तो ये आपका ड्रग्स कंट्रोलर, ड्रग्स कंट्रोलर जो शब्द आप कहीं भी सुनते हैं, जैसे आप कैग के बारे में सुनते हैं, तो कैग के बारे में आप सुनोगे तो कैग आपका क्या होता है, ये आपका ऑडिट सबसे जुड़ा हुआ है, ऑडिट का मतलब होता है जितने भी पैसों से जुड़े होते हैं, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं, इसी तरह DGCI होता है, ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ या जनरल ऑफ इंडिया, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जैसे आपका कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है उसी प्रकार से ये भी जितनी भी भारत में दवाइयां बनती हैं उसको कंडक्ट कराने वाला, उस पर एक्सपेरिमेंट करने वाला, उसको मंजूरी देने वाला, ये DGCI ही होता है आपका। तो DGCI ने इसको हाल फिलहाल में मंजूरी दी है, लेकिन ध्यान रखिएगा कैसी मंजूरी दी गई है, ये एक एमरजेंसी मंजूरी दी गई है। क्यों दी गई है भाई? क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि ये जो दवाई है ये, इसको एक और आप कह सकते हैं कि जेनरिक दवाई है। जेनरिक दवाई मतलब होती है हम इसे बड़ी मात्रा में बना सकते हैं, और इजी टू टेक है। इजी टू टेक का मतलब क्या है, इसको आप डायरेक्ट पानी, जैसे ग्लूकोज मिलाते हैं ना पानी के अंदर, तो डायरेक्ट आप पानी के साथ मिलाकर इसको ले सकते हैं। तो अप्रूव किया गया, जेनरिक दवाई है तो बड़ी मात्रा में बनाएंगे और सबके सब ले सकते हैं, लेकिन ऐसा अभी मंजूरी नहीं मिली है, क्योंकि इसको ओनली फॉर एमरजेंसी पर्पस के लिए अप्रूव किया गया है। एमरजेंसी पर्पस का मतलब क्या होता है, आपके शरीर के अंदर दो तरह के सिम्टम जनरेट हो सकते हैं, या तो वो मॉडरेट हो सकते हैं या वो आपके सीवियर हो सकते हैं। सीवियर कंडीशन में आपको वेंटिलेटर की सहायता से, ऑक्सीजन की सहायता से रखा जाता है, मॉडरेट में आपके धीरे धीरे जो इन्फेक्शन होता है वो काफी हद तक पकड़ बना चुका होता है। तो ऐसी दो कंडीशंस के लिए ही इस दवाई को अप्रूव किया गया है, किसके द्वारा, DGCI के द्वारा। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं भाई आपका कि ये तो हो गया इसके बारे में कि हमने पढ़ा अप्रूव किसने किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अप्रूवल प्रोसेस क्या रहा है इसका। तो अप्रूवल प्रोसेस की बात करते हैं, सबसे पहले इसको मंजूरी कैसे मिली, देखिए स्टेपस देखिएगा। सबसे पहले जब आपकी कोरोना की पहली लहर आई थी, कोरोना की पहली लहर कब आई थी, कोरोना की आपकी फर्स्ट वेव जो आई थी वो पिछले साल 2020 में जनवरी के आसपास भारत में फैलना स्टार्ट हो गया था। तो अप्रैल 2020 में इन मास, देखिए ये बहुत बड़ा मेडिसिन सेंटर है जो इस दवाई को बनाने में काफी हद तक कारगर साबित हुआ है, इनमास ने, इनमास की फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेस। इनमास और डीआरडीओ ने फैसला किया कि भाई वैक्सीनेशन बनने में तो देखो काफी लंबा समय लगता है, लेकिन जो पेशेंट्स आपके बीमार हो कुछ ना कुछ तो इलाज देना पड़ेगा ना। जैसे अभी हाल फिलहाल के दिनों में आपको रेमडेसिविर के इंजेक्शन का पता होगा, रेमडेसिविर का इंजेक्शन जब लंग इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उसको धीरे करने में, उसको रिकवर करने में बहुत मदद करता है। तो ड्रग्स होते हैं ये, यानी दवाइयाँ होती हैं जो हुई हुई बीमारी को कम करती हैं, और वैक्सीनेशन क्या होता है कि आपको बीमारी हो ही ना, इसलिए दोनों में फर्क होता है। तो जैसे ही ये बीमारी आती है पिछले साल, तो 2020 में इनमास और डीआरडीओ के बारे में बता ही चुका मैं आपको, इन दोनों ने CCMB की हेल्प से, CCMB क्या है भाई, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, ये कहाँ पर है आपका, हैदराबाद में,
ध्यान रखिएगा सीसीएम भी कहाँ पर है आपका, हैदराबाद में। इसकी अध्यक्षता में इन दोनों ने लैब के अंदर एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया इस दवाई का। अब ये दवाई का एक्सपेरिमेंट कैसे स्टार्ट किया, दिमाग में क्वेश्चन आएगा। किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट तभी हो पाएगा ना जब वो बनी हुई है। तो आप सोचोगे सर कि लैब ने तो अभी आई तो बीमारी कोरोना अभी है, तो अभी कैसे स्टार्ट किया। ऐसे स्टार्ट किया कि ये दवाई आपके पहले से बनाई जा रही थी, लेकिन वो ट्रीटमेंट किसके लिए बनाई जा रही थी, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। क्यों भाई, क्योंकि कैंसर क्या होता है, कैंसर होता है शरीर के किसी भी ऑर्गन में जब सेल की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है, यानी कि उस जगह पर सेल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगते हैं, तो वहाँ पर आपको कैंसर जैसी बीमारी देखने को मिलती है। तो ये DRDO इसी बात पे काम कर रहा था कैंसर की दवाई बनाने पर, ये जो आपकी 2DG वाली है, लेकिन अभी तक इसको अप्रूवल नहीं मिला है भारत में कैंसर की दवाई के रूप में, लेकिन एक्सपेरिमेंट इसी दवाई का इस बीमारी के ऊपर ही, कैंसर के ऊपर ही चल रहा था। तो ये दवाई आपका सेम काम करेगी सेल में। कैंसर में क्या होता है, सेल की ग्रोथ आपकी बढ़ती रहती है, तो 2DG जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में समझाया क्या करेगा, सेल को एनर्जी बनाना बंद कर देगा, तो ऑटोमेटिकली सेल मरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो आपके शरीर के अंदर कैंसर फैला था, जो भी पेशेंट होते हैं, वो आपका ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। तो ये कैंसर की दवाई है, लेकिन ये बनी हुई है, मंजूरी नहीं मिली, तो DRDO ने सोचा कि इन्फेक्शन तो कोरोना के अंदर भी वैसा ही है, क्यों ना सेल्स को मार दिया जाए, इसलिए लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो अप्रैल में इसकी स्टार्टिंग होती है। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे ही इसके अप्रैल में स्टार्टिंग हुई, तो सबसे पहले इसको जो चेक किया गया वो कौन से पे किया गया, सारस कोव 2 वायरस, यानी कि जो वायरस इस कोरोना को फैलाता है, उस वायरस पर इसकी टेस्टिंग शुरू कर दी गई। अब जैसे ही टेस्टिंग शुरू की गई, तो ट्रायल में देखा गया ये तो असरदार लग रहा है, फिर क्या किया गया, फिर आपका दूसरा फेज स्टार्ट होता है। देखिए अभी दिखाते हैं आपको, दूसरा फेज आपका स्टार्ट हुआ। दूसरे फेज में अंदर क्या किया गया, ये आपका दूसरा फेज, मई से लेकर अक्टूबर तक फेज के माध्यम से, यानी पहला फेज तो लैब में हो गया था, अब दूसरा फेज यहां पर शुरू हुआ। तो दूसरा फेज जब आपका शुरू किया गया, तो वो DRDO ने स्टार्ट किया मई से अक्टूबर के बीच में। तो इसके अंदर आपका क्या किया गया, दो जगह पर एक्सपेरिमेंट चलाए गए, 6 हॉस्पिटल लिए गए। पहले फेज में, यानी दूसरे का जो पहला फेज था, 6 हॉस्पिटल, और 11 हॉस्पिटल लिए गए दूसरे फेज के दूसरे भाग में, यानी दूसरे फेज के दो भाग थे, पहला चरण में 6 हॉस्पिटल के पेशेंट, दूसरे में आपके इतने पेशेंट, तो टोटल कितने पेशेंट, 110 पेशेंट। 110 पेशेंट्स के ऊपर इसका ट्रायल किया गया मई से लेकर अक्टूबर के बीच में, ये इसका दूसरा फेज था। तीसरे फेज की बात करें, तो तीसरा फेज आपके सामने ये रहा, ये तीसरा फेज है। अब तीसरे फेज के अंदर क्या हुआ, जैसे ही पहले दो में सफलता मिली, तो तीसरा फेज आपका शुरू किया गया उनसे डबल, पिछली बार से डबल पेशेंट्स पर, ये कितने पे, 220 जगह पर। और यहाँ पर कितने कोविड पे हॉस्पिटल्स में, 27 कोविड हॉस्पिटल्स में इसको स्टार्ट किया गया। तो ध्यान रखना, दूसरा फेज आपका कितने पर था, दो अलग अलग फेज में था, 110 पेशेंट पे, तीसरा फेज इसका 220 पर सफल हुआ, और ये नवंबर में आपका कंडक्ट कराया गया। तो जो चीज़ सफल हो जाए, असरदार दिखे, तो क्यों ना उसको मंजूरी दे दी जाए, और सेम यही हुआ, और इसको मई 1, 2021 में इस 2DG ड्रग को मंजूरी दे दी गई, किसके द्वारा, आपका DGCI के द्वारा। और ये केवल और केवल किसके अंदर यूज किया जाएगा, एमरजेंसी केस में, वो भी सीवियर और मॉडरेट केस के द्वारा। तो DRDO ने ये पिक्चर आपकी शेयर की थी, इस पिक्चर से उन्होंने बताया था कैसे इन्फेक्शन आपका कम होता है। तो देखिए, ये आपका SARS-2 कोरोना सेल के अंदर फैला है, जैसे ही उसे इंजेक्शन दिया जाता है, या 2G इन्फेक्शन के लिए जो दवाई दी जाती है, ये देखिए किस तरीके से समाप्त हो जाते हैं, ये जो एक्स्ट्रा वायरस आपके शरीर के अंदर कोरोना के जरिए फैले थे, फर्स्ट फेज में खत्म, दूसरे में बाकी बिल्कुल साफ हो जाता है। तो ये था भाई इस दवाई के संक्रमण को कैसे DRDO ने एक्सपेरिमेंट किया और उसको कैसे सफल रहा। तो कोविड पेशेंट के लिए ये बिल्कुल यूजफुल रहने वाली है, ऐसा कहा है किसने, DGCI ने, और ये केवल और केवल इमरजेंसी सिचुएशन में आपको दी जाएगी, जब सीवियर कंडीशन होगी। तो आज ही के दिन इसके जो डोज हैं वो भारत में डिस्पैच होने स्टार्ट कर दिए गए हैं, ऐसा न्यूज़पेपर के द्वारा हमें पता चला है। तो ये थी भाई आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको हेल्पफुल लगेगी, तो कुछ उम्मीद की किरण भी जागेगी कि ऐसा कुछ भी होने वाला है देश में, तो एक पॉजिटिव काइंड ऑफ वीडियो ये आपको समझ सकते हैं। ठीक है भाई, तो इसी के साथ
हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कल मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ।